हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रैक्टिकल बाइकर पर। और आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं वो है महिंद्रा की लेटेस्ट ऑफरिंग, दैट इज XUV300 फॉर अर्बन एंड सबअर्बन एरियाज। मेरा एक्सपीरियंस XUV300 के साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ। और जो मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा वो था इसका टॉर्क फिगर्स। जो इसके टॉर्क फिगर्स हैं वो पेट्रोल के लिए 200 Nm और डीजल के लिए 300 Nm। पेट्रोल इंजन इज 1.2 टर्बोचार्ज विद 110 bhp एंड डीजल इंजन इज 1.5 टर्बोचार्ज विद 115 bhp। और जो मुझे एक छोटी सी शॉर्ट कमिंग लगती है किसी भी गाड़ी में, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब क्लच प्रेस करते हैं तो आपको बहुत बार हार्डनेस वाली फीलिंग आती है, स्पेशली इन हैवी सिटी ट्रैफिक। वो इस गाड़ी में नहीं मिली। बहुत खुश हुआ मैं ये चीज़ देख के कि यार जो मेरे एक क्लोज रिलेशन में एक बंदे को इसलिए गाड़ी चलाने को मना कर दिया डॉक्टर ने कि उनकी लेफ्ट लेग में जो नी कार्टिलेज होती है वो डैमेज हो गई है इसी रीज़न से। तो इस गाड़ी में क्लच बहुत लाइट है, गियर शिफ्ट बहुत एक्यूरेट हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को चलाकर। और ऑफ रोडिंग की, बहुत हैवी नहीं की क्योंकि थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम है कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 जबकि बाकी सब अप्रॉक्स 200 के अराउंड हैं, 198, 200 एंड 201 इस रेंज में है। खैर उसका एक अच्छा बेनिफिट ये रहा कि जो शार्प टर्न्स हैं उस पर बॉडी रोल नहीं मिलेगा आपको, बॉडी रोल नहीं मिलेगा साथ साथ में उसके साथ में आपको इनग्रेस एंड आउटग्रेस थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। जो गाड़ी की स्टेप इन हाइट होती है वो कम हो जाती है तो आप इजीली अंदर बैठ सकते हैं। इसके अलावा मुझे एक कमी ये लगी गाड़ी में कि जो डायमंड कट अलॉयज हैं वो केवल टॉप एंड मॉडल में हैं। सनरूफ है वो सनरूफ केवल टॉप एंड मॉडल में दिया गया है। जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी केवल टॉप मॉडल में ही दिए गए हैं, दैट इज W8 ऑप्शनल। अब ये लगता है कि हर चीज़ अगर जो प्रीमियम फील्स हैं वो केवल टॉप मॉडल में ही है, तो आपके लिए अगर आप टॉप मॉडल नहीं ले रहे हैं तो फिर इट इज़ एज गुड एज अदर SUVs। तो आपको केवल जो बेनिफिट मिलेगा वो इंजन एंड इट्स टॉर्क फिगर्स का मिलेगा। एक छोटी सी शॉर्ट कमिंग और है इस गाड़ी में, वो है इसका बूट स्पेस। इसका जो बूट स्पेस है वो कंपेरेटिवली बाकियों से छोटा है। बूट स्पेस के टेक्निकल फिगर्स ये आप देख सकते हैं अपने चार्ट में। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, और गाड़ी के इंटीरियर में सबसे पहली भी जो बात आती है वो होती है स्पीडोमीटर कंसोल की। इसका स्पीडोमीटर कंसोल है जिसमें आपको एक एनालॉग टैकोमीटर और एनालॉग स्पीडोमीटर और उसके साथ एक MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है। इस मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में हम सबसे ऊपर टाइम देख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं, ट्रिप मीटर, उसके अलावा आपका ओडोमीटर, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम वगैरह, फ्यूल, टेम्परेचर, ये सब तो आते ही आते हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी यूनिक फीचर है वो है गाड़ी का टायर डायरेक्शन। जो टायर डायरेक्शन वाली चीज़ है ये बहुत अच्छी यूज़फुल चीज़ है, हम इसको एक यूनिक फीचर मान सकते हैं। खासकर अगर आपको याद नहीं रहा आपकी गाड़ी किस डायरेक्शन में टायर साइज टायर के लिए खड़ी है, हो सकता है कि आपका स्टीयरिंग है एक कंप्लीट राउंड लिए हुए हो और आपको नहीं याद हो और गाड़ी अचानक से कहीं और चली जाए, तो उस केस में ये टायर डायरेक्शन की चीज़ बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा ये जो कलर्स आप देख रहे हैं अभी, ये भी चेंज होते हैं, ये 5 डिफरेंट कलर्स में हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 7 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम पर। ये 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा लग रहा है, गाड़ी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट है। इसके बाद इसमें होम, रेडियो, फ़ोन वगैरह ये सब लिखा हुआ आता है। इसके बाद
अगर हम होम की पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, इकोसेंस, ये इकोसेंस क्या है जरा एक बार इसको टेस्ट करते हैं। ये इकोसेंस आपको ये बताता है कि आपकी जो ड्राइविंग हैबिट्स हैं ये कैसी हैं, आपने स्पीड को कैसा मेंटेन किया, गियर सिलेक्शन आपका कैसा रहा, एक्सेलरेशन आपका कैसा रहा, आइडलिंग आपकी कैसी रही। इसके बाद यहाँ आते हैं तो ये आपका स्टीयरिंग के जो मोड्स हैं, तीनों डिफरेंट मोड्स आप इससे सेट कर सकते हैं। ये ट्रिप हुआ, ये सेट करने का, ये सेट, इससे अगर आप इस सेट को दबाएंगे तो यहाँ वाला MID चेंज होता है, और ये जनरल चीज़ें हैं ही। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस कार का यूनिक फीचर है वो है ये FATC। FATC इज़ ड्यूअल जोन AC। अब इस AC में ड्यूअल जोन कैसे, कि अगर आप अलग आप ड्राइव कर रहे हैं और आप अलग टेम्परेचर का एयर चाहते हैं, और जो आपके साथ को ड्राइवर सीट पर बैठा है, जो पायलट सीट पर बैठा है, वो अलग टेम्परेचर की एयर चाहता है, तो उस केस में आप इनको सेट कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि आप इनको डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी प्रोफाइल्स के साथ कर सकते हैं। इसमें 3 मेमोरी प्रोफाइल्स आप सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टोरेज की अगर बात करें तो ये एक छोटा रबराइज ट्रे प्लेट मान सकते हैं इसको, ये 2 कप होल्डर्स हैं, हालांकि ये कप होल्डर एग्जैक्टली कप के साइज के ही हैं, और ये एक बड़ा स्टोरेज एरिया है यहाँ पर। इसमें आप फ़ोन के साथ साथ बहुत कुछ एडिशनल रख सकते हैं। अगर आप डोरबिन्स के स्टोरेज की बात करें तो डोरबिन्स में यहाँ पर 2 होल्डर दिए हुए हैं, एक बॉटल और एक शायद कप्स वगैरह के लिए हैं। इसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ पर मोबाइल के सारे बटन्स मिलेंगे। इसके अलावा इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल, ऑन ऑफ वगैरह ये सारे बटन्स यहाँ मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको। इसके साथ साथ अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एक मैट फिनिश प्लास्टिक है, बट ये एक पियानो फिनिश प्लास्टिक है जो कि जनरली फिंगरप्रिंट अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा ये इसके पीछे एक आर्मरेस्ट है जो कि थोड़ा सा फोमी है, आपको अच्छा लगेगा इस पर अपने आर्म को रेस्ट करते हुए। दूसरा आर्म रेस्ट ये जो है ये थोड़ा सा ब्रॉड है, आप इसमें 2 आर्म्स एक साथ रेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ये ऑटो डिमिंग IRVM है, और सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट फीचर वो ये है कि ये जो ORVMs हैं ये हीटेड ORVM हैं, जो कि अपने सेगमेंट का फर्स्ट फीचर है। इसके साथ साथ जो वाइपर्स हैं वो रेन सेंसिंग ऑटो वाइपर्स हैं, मतलब मिस्ट के लिए आप एक बार करेंगे ऑफ, ऑटो, लो और हाई, इसको आप इन 3 प्रोफाइल्स में सेट कर सकते हैं। ये इसका ग्लव बॉक्स है, और ग्लव बॉक्स काफी डीप है, इसमें ये सेपरेट चीज रखने के लिए है कि इसे आप इसको खोलकर इसमें कुछ खाने का सामान रखकर खा सकते हैं। और अगर बात करें इसकी सीट कंफर्ट की तो इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, साइड बोलस्टरिंग आप देख सकते हैं बहुत डीप हैं, और इसके साथ साथ इसकी सीट में जो मटेरियल यूज्ड है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है। इस पूरे कैबिनेट में जो भी मटेरियल प्लास्टिक यूज्ड है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। आप इस गाड़ी के कैबिन में कहीं भी कॉस्ट कटिंग की शिकायत शायद नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इस गाड़ी का कैबिन एक फुली फीचर लोडेड कैबिन है, और उसके साथ साथ इसमें जो भी प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड हुआ है वो बहुत अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल है। इस गाड़ी में 7 एयरबैग्स हैं, और ये इस सेगमेंट की मोस्ट सेफ कार बनाती है इसको, कि 7 एयरबैग्स के साथ इसमें ABS, ABD और ESP भी साथ में हैं। 7th जो एयरबैग है दैट इज़ नी एयरबैग, जो क्रैश के टाइम आपके नीज को सेफ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि जनरली क्रैशेज में जो सीवियर क्रैशेज होते हैं उसमें सबसे पहली जो आपकी चीज़ हिट होती है वो होती है आपका नी, सिर के बाद। जो सिरा होता है वो तो आपके स्टीयरिंग पर हिट होता ही होता है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। इन दैट केस तो नी जो सेकंड मोस्ट इंजरी प्रोन एरिया है उसको कवर करने के लिए नी एयरबैग दिया हुआ है। एक कर्टन एयरबैग है जो कि आपका साइड क्रैशेस को प्रोटेक्ट करता है, और साइड क्रैशेस में प्रोटेक्शन की अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो MS धोनी मूवी में आप जाइए, जो उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी दिशा पाटनी, उस
उसका उसकी गाड़ी में अगर 7 एयरबैग होते तो वो बच जाती। और इसके बाद हम चलते हैं इसकी रियर बेंच पर, देखते हैं इसके रियर बेंच में कितना कुछ है, लेट्स गो। और अब हम आ गए हैं गाड़ी की रियर बेंच पर। रियर बेंच में मैंने आगे वाली सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है, और मेरी हाइट फॉर द रेफरेंस इज 5'11" और मैं मुझे एक सफिशिएंट नी रूम मिल रहा है यहाँ पर। एक जो छोटी सी शिकायत है वो ये है कि यहाँ पर कोई रियर एसी वेंट नहीं दिया हुआ है, और रियर एसी वेंट के साथ साथ यहाँ पर कोई चार्जिंग एज सच कोई ऑप्शन नहीं दिया है इन्होंने। और ये जो चीज़ है ये बंजी कॉर्ड्स हैं, जो रबराइज्ड बंजी कॉर्ड्स होती हैं ये वो हैं, आप कोई भी चीज़ इसमें यहाँ टांग सकते हैं, जो आपको जनरली एक पॉकेट मिलता है उसकी जगह पर। अगर पॉकेट की बात करते हैं तो ये एक 1 लीटर बॉटल के हिसाब से पॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर भी सेम आपको फोमी आर्मरेस्ट मिलता है, और इसके साथ साथ ये पियानो फिनिश और ये मैट फिनिश का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलता है। अगर यहाँ हेडरूम की बात की जाए तो हेडरूम सफिशिएंट है, हालांकि ये स्लोपी है थोड़ा इसका जो रूफ है। अगर मैं यहाँ पूरा ले बैक होता हूँ तो उस केस में आप देख सकते हैं कि हेडरूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये पार्ट थोड़ा सा नीचे है, तो आप इस पार्ट से नहीं करके इस पार्ट से अगर काउंट करेंगे तो एक सफिशिएंट आपको हेडरूम यहाँ मिलेगा। आप देख सकते हैं ये एक अच्छा खासा सफिशिएंट हेडरूम यहाँ पर है। इसके अलावा 3 आपको हेडरेस्ट मिलेंगे प्रॉपर, और उसके बाद ये एक आर्मरेस्ट भी साथ में दिया हुआ है, जो कि सफिशिएंटली ब्रॉड भी है, और इसमें 2 कप होल्डर हैं। आप इसको बॉटल होल्डर ना समझें क्योंकि कप्स के साइज के ही। आप इसकी सीट बेल्ट की हाइट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। सड़क ऐसी वैसी कैसी भी हो, टायर साइज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाड़ी में, और जैसी ये रोड है इस पर तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसके बाद ऑफ रोडिंग हो, ऑन रोड हो, टायर का साइज, टायर की विड्थ, सब कुछ एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी व्हीकल की स्टेबिलिटी के लिए। और इसके बाद हम जहाँ जाने वाले हैं उसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि अब हम इसको रोड से नीचे उतार के मिट्टी में एक बार चलाकर देखने वाले हैं कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। हालांकि टायर साइज बड़ा है तो वी होप कि ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है, फिर भी टेस्टिंग जरूरी है। तो नीचे उतारा जाए इसको, कहां से उतारें जरा जगह देखी जाती है। ये सही जगह है, यहां पे हमने इसको नीचे उतार लिया है, और अब एक बार देखते हैं कंफर्मेशन के लिए। बाकी तो गाड़ी की जो पुलिंग पावर है उसके लिए टॉर्क बहुत अच्छा है, और गाड़ी का टायर साइज भी बहुत बड़ा है, तो इट्स जस्ट ग्लाइडिंग ओवर द डेजर्ट एरिया। हालांकि ये प्योरली डेजर्ट नहीं है, बट हाँ समवॉट सिमिलर टू दैट। बाकी कुछ इशू नहीं आ रहा है सच, गाड़ी बहुत क्लियरली नीटली हैंडल कर रही है इन सारी चीज़ों को। गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट ट्यून्ड है, और नहीं पता चल रहा कुछ खास है ऐसी जगहों पर, तो वी होप कि ऐसी सब जगहों पर से गाड़ी इजीली नीटली निकल जाएगी। अब आगे दूसरे तरह की सड़कों पर चलते हैं। इस गाड़ी को मेनली अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज के लिए बनाया गया है, तो अर्बन और सब अर्बन एरियाज में ऐसी रोड्स आपको कभी कभी देखने को मिल सकती हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार टेस्टिंग यहाँ भी बनती है। और यहाँ की टेस्टिंग में मुझे ये कहते हुए बहुत मज़ा आ रहा है कि गाड़ी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है इस ब्रोकन रोड को। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लग रही है वो इसका सस्पेंशन सेटअप है, जो कि बहुत इजीली इन सब चीज़ों को मतलब कवर कर रहा है, या फिर यूँ कहूँ कि ऐसा लग रहा है कि हल्का हल्का सा इंड्यूलेशन है, जबकि मुझे पता है कि इस रोड के हालात क्या हैं। तो अब बिग कूडोस टू महिंद्रा गाइस, जिन्होंने इस गाड़ी को बहुत अच्छे से, बहुत टाइम लेकर लेकिन बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन किया, और मुझे इसके सस्पेंशन सेटअप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है एज सच। बाकी बात हाईवे टेस्टिंग की, तो हाईवे टेस्ट करना तो बनता है, सिटी टेस्टिंग मैंने सारा दिन भर में चला के कर ही ली है, तो सिटी में तो मुझे 2% भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाईवे टेस्टिंग के लिए अब यहाँ से निकलते हैं और
हाईवे पर जाते हैं, देखते हैं हाईवे पर कितना मजा आने वाला है। गाड़ी हाईवे पर कितनी स्टेबल है, हाई स्पीड पर लेन चेंजिंग कितनी कंफर्टेबल है, ये सब टेस्ट करेंगे हम अब इस हाईवे पर। और इसके साथ साथ गाड़ी में ये भी देखना होता है कि अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो गाड़ी कितना कंपोजर के साथ गाड़ी रुकती है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर। तो लेट्स स्टार्ट। एक तो उसका पिकअप, वाह, पेट्रोल इंजन्स तो चलाने का मजा ही अलग है। टर्बो डीजल इंजन्स में एक इशू ये होता है कि जब तक टर्बो किक इन नहीं करेगा तब तक दैट बिहेव्स लाइक ए स्लगिश इंजन, बट पेट्रोल इंजन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर टर्बो नहीं भी है बट तो भी दे फील वेरी पेपी एंड वेरी लाइवली। तो कंफर्टेबली हम क्रूज कर रहे हैं अच्छी स्पीड्स पर, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से अच्छी स्पीड है। एंड वी विल परफॉर्म सम टेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हमारी जरूरत सबसे पहले क्या पड़ती है, इंडियन रोड्स पे हाई स्पीड पर गाड़ी स्टेबल होनी चाहिए। हम चल रहे हैं अभी 100 की स्पीड पर, गाड़ी कंप्लीटली स्टेबल है। आपको एसयूवीज वाली फील नहीं आएगी कि ये गाड़ी रोल करती है। इसके बाद इमरजेंसी में अगर आपको लेन चेंज करना पड़ता है तो दैट इज इमरजेंसी लेन चेंजिंग, और गाड़ी मेंटेन करती है अपना कंपोजर को। आई लव द फैक्ट कि जो मिनी एसयूवी सेगमेंट है ये गाड़ियां अपना कंपोजर मेंटेन करती हैं। बात करते हैं इस गाड़ी के स्पेशल फीचर्स की। स्पेशल फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, 7 एयरबैग्स, एबीएस, एबीडी, ईएसपी, हिल असिस्ट, फ्रंट एयर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, हीटेड ओआरवीएम, चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक, ये सब इस गाड़ी के स्पेशल फीचर्स हैं। जो कुछ छोटी मोटी कमियां थी आप उनको डील ब्रेकर नहीं मान सकते हैं। तो माय फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस व्हीकल इज बिग थम्स अप टू द महिंद्रा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एक गाड़ी लॉन्च करने के लिए। हालांकि गाड़ी थोड़ी सी लेट लॉन्च हुई है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन इस मार्केट में हो गया है, बट स्टिल आई विल से कि ये गाड़ी अपना मार्केट में प्लेस बना लेगी। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपके लिए सब कुछ, हर कुछ आपके पसंद की चीज़, चाहे वो ट्रेवल हो, चाहे वो मोटो ब्लॉग्स हो, चाहे वो रिव्यूज़ हो, सब इसी चैनल पर आपको मिलेगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू के एस मोटर्स जयपुर, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया इस व्हीकल को रिव्यू करने का और एक सफिशेंट टाइम दिया इस व्हीकल को यूज़ करके देखने का, सो दैट मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे पाऊँ। चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए और हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए, प्यार से रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।